बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जस्टिस अतर मिनल्ला के सख्त रिमार्क्स के बाद जनाब इमरान खान के अपने संगी साथी जड़े ने उन्हें दुड़की लाती है, मंजी ठोकती पड़ के बाकायदा जो हैं सदर आरफ अलवी साहब उन्होंने और शेर रशीद तो दौड़ी ला गया बाकायदा। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे। देखिए कल इमरान खान साहब ने जलसा किया एक और जलसा उन्होंने किया फैसलाबाद में। फैसलाबाद में जलसे के दौरान इमरान खान साहब जो हैं वो बहक से गए। अच्छा अब ये जो मैं बहक से गया हूँ कह रहा हूँ ना वो उसको ज़रा आप इन्वर्टेड कॉमर्स लें क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो कई बार मेरा ख्याल उनके दोस्तों ने उनको ये बात समझाई है। वो बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो एक हमारी लड़कपन के दौर का और इमरान खान के भरपूर जवानी के दौर का गाना था बल्कि गजल थी। पंकज उदास साहब एक बड़े मशहूर गुलकार गुजरे हैं इंडिया के, तो उनकी एक गजल थी कि हुई महंगी बहुत शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। उप्पा इन्ना एक गल मनने तैयार कोई नहीं, ठीक है। नतीजा ये होता है कि जब आप जरूरत से ज़्यादा किसी भी नशे में धुत हो जाएं तो फिर आप इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं जैसी कि कल इमरान खान साहब ने की हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी फौज जर्नैलों के ऊपर जो है ना बाकायदा उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर माजरा चाहता हूँ हुब्बुल वतनी के ऊपर एक सवालिया निशान उठा दिया है। और वो जो उनकी तकरीर है वो मैं उसको इसलिए सिर्फ रिपीट नहीं कर रहा कि मैं नहीं चाहता कि जनाब जो बातें वो कह रहे हैं उसको लोगों तक पहुँचाने के गुनाह में मैं भी शामिल हो जाऊँ, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन जाहिर है कि जो भी व्यूअर्स हैं उनको उसकी तकरीर का इल्म है। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो जो है अपना जाते हैं अपना आर्मी चीफ जाते हैं, ठीक है। फिर गद्दारी से रिलेटेड भी बातें चाहते की वो गद्दार हैं जो इनको लेकर आए हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ कि इस पर अतर मिनल्ला साहब जो कि आज से ठीक तीन चार रोज़ कबल जब समात हुई तो उन्होंने इमरान खान के जो जिस तरीके से तोहीन अदालत की केस था उसमें इमरान खान को जितना प्रोटोकॉल मिला उनकी अदालत के अंदर और जिस तरह उनकी तारीफें की गई अदालत की तरफ से, वो तो भैन जरा ना इमरान खान थोड़ा जा कहते हैं वो तो ही भूए चढ़ गया, ठीक है। नतीजा ये निकला कि जनाब आज अतर मिनल्ला साहब ने बकायदा क्लास ली पड़ गई, बकायदा टकामी क्लास ली। उन्होंने ये कहा कि जनाब आप कौम का फौज का मोराल डाउन करना चाहते हैं, किस किस्म की बातें जो हैं आपका जो क्लाइंट है यानी उनकी इमरान खान के वकील से उन्होंने कहा था किस किस्म की बातें करना चाहते हैं आपको, अगर ऐसी बातें आपने करनी तो फिर आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। पाक फौज का हर बंदा जो है ना वो यानी मुहिब्बुल वतन है और उसकी उसमें जज्बा हुब्बुल वतनी मौजूद है, बल्कि हर शहरी जो है वो महबे वतन है और किसी किस्म का शक जो है वो नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यार आप क्या समझते हैं कि आप इस तरह की बातें करेंगे तो उसके बाद आपको अदालतें रिलीफ देगी या आपका कोई एहतसाब नहीं करेगा, आप आइन के आर्टिकल 19 की मुकम्मल तशरीह जो है ना वो समझाएं अपने क्लाइंट को जाके। अच्छा अब आर्टिकल 19 जो है ना सर उसकी दो हिस्से हैं, एक है 19 और एक है 19A। मैं आपसे अर्ज करूँ कि आर्टिकल 19 में ये बात बड़ी क्लियर कट लिखी हुई है कि जनाब आप तीन चीजों के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। एक चीज जो है वो चीज है जनाब आप पाक फौज के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, फिर अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, फिर ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का आईन है, इस पर मेरे तहफ़ुज़ात हैं और वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि ये आइन का हिस्सा है लिहाजा इसकी पासदारी करना हम सब पर लाजिम है और ये पासदारी करवानी चाहिए। जहां तक फौज का रोल है तो या जो अदलिया है उसका रोल है तो वो सर आप जानते हैं कि माजी को अगर हम जहन में रखें तो फौज बराह रास्त आइन सियासत करती रही, उन्होंने आइन तोड़ा हुआ, ठीक है। वो जो आइन तोड़ने वाले थे जनरल ज़िया था, जनरल प्रेम शरफ था, जनरल प्रेम शरफ दो बार ही तोड़े पड़ के। अच्छा अब उस पर तनकीद होती है, सारे करते हैं, उसके ऊपर किसी अदालत ने कभी नहीं कहा कि जनाब आप ये तनकीद क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें पता है कि भाएं जो जनरल मुशरफ साहब सर या जनरल ज़िया साहब सर उन्होंने भी आइन तोड़ा सी। तो जब आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं और जब आप खुद आइन तोड़ने के मुर्तकिब करार पाते हैं तो फिर उसके बाद आप दूसरों को ये ताना नहीं दे सकते, ठीक है। तो लिहाजा वो एक आपको कवर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा, यहाँ पर मामला यह है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनकी क्यादत के अंदर फौज ने आईन नहीं तोड़ा बल्कि वो जो उनका एक पॉलिटिकल रोल था
जो कि पहले यानी गलां दी हत्थी करी सी ना, कोई सामने रिटर्न शेप में तो बात नहीं थी। जनरल फैज हमीद के बारे में कहा जाता था कि डी जी आई एस ही थे, तो उन्होंने जनाब इमरान खान के लिए बहुत यानी वो क्या कहते हैं बंदे घेर करके देते, उनकी हुकूमत बनवाई, सारा कुछ किया। ये सारा फौज और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बातें हैं ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कितने ब्लैक एंड वाइट ही शायद नहीं मौजूद, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड किसी जगह के ऊपर ये चीज़ नहीं है। लोगों ने अपने इंटरव्यूज़ में बात की है, लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, लोगों ने व्लॉग्स में बात की, लोगों ने खबरें देकर बात की है, लेकिन कहीं आपको ये आपको किसी जगह पे क्लियर कट नज़र नहीं आएगा कि फौज ने कहा हो कि हाँ जनाब असी इमरान खान लियाना लें, असी इमरान खान बढ़ाना लें और हम इमरान खान को चलाएँगे। इस तरह की कोई बात किसी जगह पर नहीं आई। फिर हुआ ये कि डी जी आई एस पी आर जो कि ज़ाहिर है पाक फ़ौज के तर्जमान होते हैं और पाक फ़ौज का तर्जमान पल्लों गाल नहीं कर सकता, वो आर्मी चीफ की मशावरत के बाद ही बात करते हैं। और डी जी आई एस पी आर ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि फौज जो है वो एपोलिटिकल है, वो न्यूट्रल है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को एतराज़ इस बात पर है कि आप एपोलिटिकल क्यों हैं, आप न्यूट्रल क्यों हैं, आपनों तो मेरे ना होना चाहिए सी, आप दूजे पासे खिलो गए। वो ये नहीं कहते दूजे पासे खिलो, कहते तुसी न्यूट्रल किवें हो गए। जब उन्होंने न्यूट्रल का कहा तो इन्होंने बकायदा तौर पर यह कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। इस किस्म की बातें इमरान खान साहब करते रहे हैं, इसी चक्कर दे जपाए ने जेडे ना वो फिर गल्लां कर गए, उनको किसी ने बताया ही नहीं। मेरा ख्याल है कि वो यकम सितंबर में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो गई हैं, भाए ना चीज़ें हूँ डिफरेंट हो गई। मैं आपसे कहता रहा हूँ, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सितंबर बड़ा सितमगर होने जा रहा है। इमरान खान जो है उसको इस बात का अदराक नहीं हुआ। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब, जिनका मेरे दिल में बहुत रिगार्ड है, और मैंने ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बल्कि आज़ादी इजहार के लिए और जो सहाफ़ियों को इमरान खान के फाशिस्ट दौर के अंदर रिलीफ दिया जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब ने, सर वो उसका देन नहीं दिया जा सकता। फ्रैंकली बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं अगर बात कहूँ, फिर उसके अलावा जो उन्होंने फैसले दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ अदारे थे और वो अपनी हदूद से बाहर निकले हुए थे, उन्होंने औकात में वापस लाने के लिए जो फैसले न सिर्फ दिए बल्कि उन पर इम्प्लीमेंट करवाया, इस्लामाबाद के अंदर ही करवाया उन्होंने, तो सर वो कोई मतलब छोटी गल्ला नहीं है, बड़ी दलेरी और बड़ी बहादुरी वाली गल्ला ही हैं। लिहाजा जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब जो हैं वो जज हैं, तो भी जज नहीं भी रहेंगे तो बतौर सहाफ़ी सर मैं उनका एहतराम जो है वो वाजिब रहेगा। अब यही जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब थे जो चंद रोज़ पहले अदालत के अंदर ये कह रहे थे कि हम तोहीने अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते। वो कहते थे ये अदालत है, यानी ये अदालत से मुराद है कि मैं बतौर जज मैं यकीन ही नहीं रखता। फिर उस पर सवाल उठते थे, मैंने भी सवाल उठाए बड़े हम्बली के, सर आइन में है आर्टिकल 204 है। वो बहुत सारे और दोस्तों ने भी इतराज़ात या सॉरी सवाल उठाए थे, हम्बली सवाल उठाए इसलिए उठाए थे क्योंकि आइन का मामला है ना सर, तो इस पर बात की। अब वही अत्तर मनल्ला साहब हैं सर जिन्होंने आज बकायदा क्लास ले ली इमरान खान की पढ़ के, टकावी क्लास लेती। उसके ऊपर ये जो है अपना फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक रद्दमल दिया और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि यार बात ये है कि जो जज साहबान हैं उनको हर चीज़ के ऊपर कमेंट करना लाजमी नहीं होता। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, खैर पहले मैं आपको फवाद चौधरी की जो है ना वो बात बता दूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब ये सियासी मामला है, इमरान खान ने मेरिट पर तकर्री की बात की है, जज साहबान का हर मौजू पर कमेंट्स देना नामुनासिब है। अच्छा अब ये आप इस बात से अंदाज़ा गए कि ए भाई ने रिजड़े ना और पीठी पूरी दी पूरी कहती है कि मिठा मिठा हप हप तो कोड़ा कोड़ा थू थू। अगर जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब कहें कि इमरान खान जो है बड़ा मकबूल लीडर है, अगर जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब कहें कि हम तो हिन्द अदालत के कवानी पर यकीन नहीं रखते, अगर जस्टिस अत्तर मनल्ला साहब कहें कि जनाब इमरान खान साहब ए तुहानू इक होर मौका दिता ए जाओ घर जाके तो अपना जवाब वापस लै जाओ तो इन ठीक तरीके लिख के लियाओ, यानी ताडा पेपर इस पेपर से तुम फाड़ी हो, तुम गिरफ़्तार हो, मतलब मैं बिल्कुल एक थड़े की जबान में बात करूँ तो ताडी मेहरबानी है तुम बदल लो। तो ये उनका एक लीनियंट व्यू था, उन्होंने मौका दिता कि यार एक लीडर बन गया बंदा तो चलो इन मौका दो, बेवकूफ जहा बच्चा है तो इनू समझा समझू दो। तो उसका आप इतना नजायज़ फायदा उठा के मुड़ के भाएं तुम अपने बनाने वाले पाइयो और इस तरह की बातें करें, तो फिर उसका जवाब तो ऐसे ही आना था। और अब जब उस तरह का जवाब आ रहा है उन्हीं शख्सियत की तरफ से, उन्हीं जज साहबान की तरफ से, बल्कि जज साहब की तरफ से, तो फिर सर ये कह रहे हैं कि हर चीज़ पे कमेंट करना जजेस को जेब नहीं देता। पैन ऐसा नहीं होता हजूर, या तो आप पूरे के पूरे जो है वो सिस्टम से निकल जाएं, यानी आप बागी हो जाएं पूरे के पूरे,
यानी तहरीके इंसाफ इमरान खान ये जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब ऐसे हैर भरा मेरा ड्यूटी तो है ना बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं वैसे ही मैं कहता हूँ फवाद चौधरी साहब बड़ी ज़बरदस्त ड्यूटी कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर ऐसे शगाफ डाल दिए हैं कुछ लोगों ने इमरान खान की कश्ती के बीचे के पाए न टाइटैनिक जो हो जाए शगाफ नहीं सी पाए जो हो जाए ए भाई साहब जो ना पा देंगे ने पढ़ के खुशामद जो है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा मैं आपसे अर्ज करूँ कि बर्बाद कर देती पकड़ के और इमरान खान जैसा शख्स जिसे स्वाय खुशामद की कुछ और पसंद ही नहीं है उन तो डोब देना मसला ही कोई नहीं सी चार महीने लगे है भाई साहब का जोड़ा है कि कहते हैं जहाज वो बस हूँ समझ लो किनारे ही बाहर है पाए का बस उस तो बाद काम खत्म है उसका जो हालात इमरान खान के पैदा हो गया और साथ फवाद चौधरी और इस तरह के जो दीगर लोग बैठे हुए हैं जो ड्यूटी दे आए हैं शाह मुकैशी भी उनमें शामिल हैं तो सर या शेख रशीद साहब है तो ये जो लोग हैं ना इन्हों का काम है सर इन्होंने ये अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है बहरहाल वो अब जो है फवाद चौधरी साहब वो उनके उनके इस कमेंट के बाद मैं पी टी वालों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हजूर एक तो गल है कि लीडर को थोड़ी पिया करो दूसरी बात यह है कि जनाब या तो आप मुकम्मल बागी हो जाए ना चीख वेरा बन जाओ कर नहीं जनाब असं मनते ही नहीं किसी गल में बल्कि इससे भी आगे बात कर ले आप जनाब कहें जो मर्जी हो जाए असी लेनन बन गए जरूर इनकलाब ही आएगा इतने फ्रांस का इनकलाब आएगा चलो आप इस तरह की बात कर ले निकलो बाहर हर शह जनाब फिर शुरू कर दो तो जे तुम इस तरह नहीं करना एक पास जी गिटे फट दो जा जाके दूजे पास बाहर निकल के तुम उन्होंने गलमे दे फड़न की धमकियां देते हो तो ऐसे तो नहीं होगा ना सर या तो आप पूरे के पूरे बागी हो जाए या फिर सिस्टम में रहे मैं आपसे अर्ज करूँ कि सिस्टम में रहना दी बेस्ट तरीका इसलिए कि इस सिस्टम में रह कर आप पले बड़े जवान हुए तीन तीन ब्याह कराए वजीर अजम बने अब अगर आप उस सिस्टम के तहत ही आपको थोड़ा सा यानी बैकफुट पे किया गया है यानी अभी भी ये अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास चार सूबों की हुकूमत है तीन सूबे एक आज़ाद कश्मीर ठीक है पंजाब के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर के पी के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर चार थावां ते यानी पौने पाकिस्तान जनाब की हुकूमत है जरूर फिर भी तुम कह रहे तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिले तो पता नहीं किसा ना रखे सच्चा प्यार तो अभी आप उस सिस्टम के हिस्सा हैं तो इसी में रहें तरीके का साथ चले बारी आ सकती है अगर शहबाज शरीफ जेल से निकल के वजीर अजम बन सकता है तो भैन तुम्हें बनी गल तो दोबारा वजीर अजम क्यों नहीं बन सकते ये छोटी सी बात जो नहीं समझ आई बहर अब समझ आ भी गई तो बहुत मेरा ख्याल है देर हो चुकी है अब चीज़ें जो हैं किसी और नया रुख अख्तियार कर चुकी हैं यानी उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आरफ अलवी साहब जो कि सदर पाकिस्तान है और ये वो सदर पाकिस्तान है जो इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे तब भी उनके साथ व्हाट्सएप पे रबते पे रहते थे और वो जो इमरान खान ने किया ए भाई ने वही किया उन्हें कहा गवर्नर का इस्तीफा नहीं गवर्नर नु नहीं बदलना सर उन्हें नहीं बदलिया समरी आई मुस्तरद करती उन्हें कहा जनाब फलानी थान से यह काम नहीं करना उन्हें कहा जी नहीं करना उसने नहीं किया यानी हलफ नहीं लेना शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत ने हलफ नहीं लिया उन्हें कहा मेरे दांदी की पीड़े में आ ही नहीं सकता ये इस हद तक सदर ममलिकत जो आरफ अलवी साहब हैं अब ओहदा उनका जहर है इतना अहम है इतना यानी पाकिस्तान के अंदर सदर ममलिकत तो उत्ते कोई ओहदा नहीं होता आईनी एतबार से तो अब उस ओहदे की लाज रखते हुए मुझे जहर है आरफ अलवी साहब का जो है ना एहतराम वाजिब रखना पड़ रहा है तो अदरवाइज़ तो वो जहर है एक सियासी करेक्टर थे सियासत में जो उन्होंने माजी में किया हुआ है वो भी सबके सामने हैं जो नाम आ रहे हैं सर उनके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सारी फाइंडिंग्स हैं बल्कि फैसला उसके अंदर वो काउंटा शिकाउंटा ले वो भी सबके सामने हैं एफ आई ए तहकीकत कर रही है वो भी सबके सामने हैं लेकिन चूंकि इस वक्त वो सदर पाकिस्तान हैं इसलिए उनके ऊपर किसी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती तो उनके ओहदे का एक्चुअली ये एहतराम है मैं आपसे अर्ज करूँ कि उन्होंने आज इमरान खान की बाकायदा मंजी ठोक दी सर उन्होंने जो कहा है उन्होंने ये कहा जनाब पेशावर में साफी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ समेत पूरी फौज जो है वो मुहिब्बे वतन है जिनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान ने जो बात की है भाई आप यदि वजाहत दवे जो कोई बात करेगा वो आप यदि वजाहत दवे मैं कौन होना वजाहत देना यानी अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आरफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं कि भाई मेरा नहीं को तलक है ए गल उन्हें की है वही जाने ना वो कोलो वो वजाहत मैं तो कोई गल नहीं करना चाहता साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत की तारीफ भी कर दी उन्होंने कहा जी IMF के साथ जो डील हुई है बड़ी बेहतर है पाकिस्तान माशी दबाव से निकल आया यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये
तहरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से सदर पाकिस्तान बने, और ये आज से कुछ अर्सा पहले यानी 15-20 दिन पहले दिखकर बाकायदा तौर पे जो हैं वो इमरान खान के साथ मोड़े ना मोड़ा ला कर होते सर। ये लाहौर आए, साफियों से बात की, इन्होंने इमरान खान की पूरी वकालत की। ये जनाब वहाँ पर बुला के साफियों से मिलते हैं इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे भी पूरी की पूरी वो इमरान खान की वकालत करते हैं। ये 1 सितंबर के बाद चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। इमरान खान की स्पीच होती है और इमरान खान की फैसलाबाद की जो स्पीच है उसके बाद अगले ही रोज़ सदर अरफ अली साहब कहते हैं भाए ना जट जाने बिजू जाने, मेरा कोई तलक नहीं जे, मैं सर किसे सूरत भी इमरान खान ने आप जी गल की वो आप ही वजाहत करे, साडा कोई तलक वास्ता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि सिपाही से लेके आर्मी चीफ तक सारे महबे वतन हैं, तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान कितने हॉट वाटर्स में हैं और मज़ीद हॉट वाटर्स में जाने वाले हैं। एक मैं आपको आज ही का एक और वाकया बता देता हूँ, और वो ये है कि शेख रशीद साहब जो कहते ना मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, कुछ हो जाए सर इमरान खान को नहीं छड़ांगा, आज वो लाहौर हाईकोर्ट में थे। शेख साहब से सवाल हुआ कि जनाब आप इमरान खान के साथ, उन्होंने कहा मैं चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ओके जनाब, उन्होंने कहा शेख साहब वो इमरान खान जो फौज के बारे में कह रहे हैं, कहा देखिए अदारों के साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सारे ना सुलह होनी चाहिए, सबके साथ मिलकर नई तरीका नहीं चाहिए। उन्होंने कहा शेख साहब उसने जलसे में ये कहा गद्दार वाला, उन्होंने कहा देखो उमर के इस हिस्से में मैं कोई बात नहीं, ना ही शेख साहब ने बाकायदा लिटरली दौड़ लाती हूँ, कोई बात उन्होंने नहीं की। ये हालत है इमरान खान के उन चट्टान टाइप दोस्तों की, या उनके जो हवारी हैं या जो उनके हमायती हैं या जो उनके एलाइज हैं, ये हालत है इमरान खान की। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक हॉट वाटर्स में बात जा चुकी है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उनके दिन बुरे शुरू हो गए हैं, सितंबर होगा ये सितंबर इमरान खान के लिए, वो मैंने गलत नहीं कहा था। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि इमरान खान जो है ना वो भाई साहब जोड़े ना बस हौली हौली यानी ऑक्सीजन ते चले जाएंगे भाई साहब, ठीक है, और हो सकता है वेंटिलेटर ते भी चले जाए उनकी सियासत। इस हद तक वो आपको इसी महीने में पहुंचते दिखाई देंगे, ये मेरा तजिया भी है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी है। आप लोगों का जो भी तजिया या इन्फॉर्मेशन होगी लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते के लिए बिलाओ।